असलम एवरी वन वेलकम टू मरियम ब्लॉग जी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे यहाँ पर ये पार्सल मैं खोल रही हूँ सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ पार्टी एक्सेसरीज लाहौर के नाम से इनका फेसबुक पे पेज है और यहाँ से सबसे ज़्यादा रीजनेबल चीज़ें मिलती हैं जितने भी आजकल के पेजेज़ हैं ये सबसे रीज़नेबल है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ से बर्थडे से रिलेटेड एनिवर्सरी पार्टी कुछ भी हो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और ये मैंने आ, मेरी सिस्टर के ब्राइडल शावर के लिए मैंने यहाँ से आ, सारी चीज़ें इधर से मंगवाई थी स्पेट से और बच्चों की बर्थडे के लिए बैकड्रॉप और एक फाइव डिजिट मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था और फ्लैक्स भी यहाँ पर बहुत रीजनेबल है वो भी हमने यहाँ से ऑर्डर की थी ये मैं जब अपने ससुराल गई थी वहाँ से ये डिनर सेट लेकर आई थी ये मेरे जहेज़ के मेरे सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं पाँच सालों में मैंने बिल्कुल भी, भी यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं इधर होती नहीं हूँ तो मैंने सोचा मैं थोड़े थोड़े करके ना जब भी मेरा पाकिस्तान का चक्कर लगे मैं थोड़े थोड़े करके साथ ले जाना शुरू करती हूँ तो ये डिनर सेट मैं लेकर आई थी इसका थर्टी के जी वेट था फुल डिनर सेट का तो मैंने सोचा मैं हाफ लेकर जाती हूँ सर्विंग डिशेज़ ले जाती हूँ लेकिन अम्मी ने बोला कि कुछ प्लेट्स भी ले जाओ आठ आठ का सेट है तो मैं चार चार ले जा रही हूँ बर्तनों के नीचे मैंने बेडशीट रखी हुई हैं मैंने स्टार्टिंग में ही बेडशीट ले ली थी वरना आ, हर बार बेडशीट रह जाती थी लास्ट में रखती थी, थी मैं और वेट ज़्यादा हो जाता था तो, तो बेड शीट मैं लेकर ही नहीं जाती थी तीन बेडशीट ली हैं और चार पिलो कवर्स लिए हैं एक्स्ट्रा जो बच्चों के पिलो हैं उनके लिए तीन साइज़ की प्लेट थी लार्ज मीडियम और स्मॉल तो मैंने चार चार रखी आठ आठ का सर था तो चार चार रखी ये चावलों वाली दो डिशे रखी और ये स्केर में ये प्याले टाइप बने हुए ये रखे रखी चार ये वाली रखी आठ थी लेकिन आई थिंक चार हमारी फैमिली के लिए ठीक है इतने दो तो लोग हैं दो बच्चे हैं जैसे जैसे मैं शॉपिंग करती जा रही थी आ, साथ में मैं अपनी चीज़ें भी समेटती जा रही थी ताकि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना हो क्योंकि सिर्फ एक दिन में मैं सारी पैकिंग नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इस बैग में मैं सिर्फ वही चीज़ें रख रही थी जो वहाँ जाकर मुझे ज़रूरत पड़े यहाँ पर मुझे दोबारा ना खोलना पड़े इसलिए सबसे पहले मैंने बेड शीट रखी है जो कि उधर जाके मुझे यूज़ करनी है और फिर मैं ये डिनर सेट रख रही हूँ ये सबसे स्मॉल प्लेट हैं और स्मॉल का साइज़ भी कितना ज़्यादा बड़ा है ये चार ये रखी हैं और टी सेट भी था इसमें मुकम्मल लेकिन सिर्फ मैंने टी पोट रखे है मुझे टी पोट बहुत ज़्यादा पसंद है डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करना तो टी पोड तो मैंने लाजमी रखा था और कप्स मैंने छोड़ दिए थे अगर आप भी पाकिस्तान में नहीं रहते और आपके बर्तन स्पेशली यहाँ पर हैं जहेज़ के तो आप भी ऐसे इस तरह से थोड़े थोड़े करके आ, कपड़ों के बीच में रख के लेकर जा सकते हैं एक ये वाली बेडशीट जो पहले ब्लू वाली दिखाई है एक ये ब्लैक है और एक ये वाली मैंने ली है अजरक वाला प्रिंट है मुझे अजरक बहुत पसंद है तो ये तीन बेडशीट मैंने ली हैं और पिलो कवर्स भी हैं वो भी अम्मी दिखाती हैं अभी अम्मी मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी पैकिंग में क्योंकि मेरे के बगैर मेरे से पैकिंग बहुत मुश्किल से होती है यहाँ से करके जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे और ये पिलो कवर्स मैंने बच्चों के जो पिलो हैं उनके लिए लिए थे चार हैं और ये कार बच्चों वाला मुझे एक ही मिला था तो मैंने ये ले लिया जल्दी से अगर बर्तन साथ लेकर जाने हैं तो उसकी पैकिंग का ये तरीका है कि पहले आपने नीचे कपड़े रखने हैं फिर बीच में फिर उसके ऊपर मिडल में आपने बर्तन रखने हैं और फिर उसके ऊपर फिर आपने कपड़े रखने हैं इस तरह से बर्तन टूटते नहीं हैं और ये टी पोट है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है लेकिन ये मैं लेकर जाऊंगी और ये सालन के लिए डिश है ये भी ठीक है ये भी दो मैं लेकर जाऊंगी साइज़ ठीक है इसका बहुत बड़ा नहीं है एक डोंगा इसमें से इसमें इस डिनर इस सेट में बहुत बड़ा था वो मैंने नहीं लेकर जाना अम्मी मुझे काफ़ी कह रही थी ले जो ये भी काम आ जाए मैंने कहा इतना ज़्यादा तो मैं पकाती भी नहीं हूँ इवन दावत भी किसी की हो तो इतना ज़्यादा नहीं बनाती मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बना लेती हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ तो ये टी पोर्ट ये तो मैं लाजमी लेकर कर जाऊँगी वो वाइट कलर में और ये मैंने ख़ुद पसंद किया था अपनी शादी पे तो इस वजह से एक अम्मी ने पहले का लिया हुआ था और एक ये वाला मैंने खुद पसंद किया था मुझे वाइट कलर के बर्तन बहुत पसंद है ये वाला डोंगा है जिसकी मैं बात कर रही थी कि बहुत बड़ा है बहुत डीप है इतना ज़्यादा सालन मैंने कभी बनाया भी नहीं है या तो इसमें बहुत इसमें पाए आ सकते हैं वो ज़्यादा मकदार में बनते हैं या फिर हलीम आ सकती है या निहारी आ सकती है लेकिन इन तीनों में से कुछ भी मुझे बनाना नहीं आता मैंने कभी भी इन तीनों में से कुछ भी ट्राई नहीं किया तो पाई भी मुझे पसंद वैसे नहीं है इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो इस वजह से ये मैं इधर ही रख के जाऊँगी नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसकी मुझे कोई इतनी नीड नज़र नहीं आ रही इस डोंगे की ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था ये भी मैं इसमें पैक करके रखने लगी क्योंकि ये मैंने उधर जाके ही यूज़ करना है तो जो चीज़ें वहाँ पर वापस आके यूज़ करनी है तो वो मैं इस बैग में रखूँगी ये मैंने वेलवेट कलेक्शन इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया था और यह ड्रेस मुझे बहुत पसंद है ये मैंने पहले ब्लॉगर्स को आ, किसी को पहने हुए देखा था तो मुझे उस वक्त भी बहुत अच्छा लगा था ये मुझे जैसे ही नज़र आया मैंने ले लिया ये मैंने टेन के का लिया था और इसका कलर भी और ये प्लेटेड कपड़ा ये आजकल वैसे भी बहुत इन है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ अभी कर देती हूँ वापस जा कर इतने काम होने हैं कि पता नहीं शॉपिंग शेयर कर सकती हूँ कि नहीं और अभी मैं पी रही हूँ शिफाय हैरत अब पाकिस्तान आते ही ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जो लोग लाहौर में रहते हैं ना अगर उनका गला ख़राब है सर्दियाँ भी आगे आने वाली हैं तो वो तो वो लोग शफा हैरत पिए बहुत जल्दी से आराम आ जाता है और बहुत सस् मिलता है काफ़ी टाइम चलता भी है ये स्पेशली मिलता है अब करी से जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा और वही ख़रीद सकते हैं शायद मेरे ख्याल हाँ से इन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी भी अब रख दी है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप था हम लोग गए थे बाज़ार एक दिन दो दिन छोड़ के बाज़ार का लाजमी चक्कर लगता था क्योंकि मेरे भी काम थे और अम्मी भी साथ साथ अपनी शॉपिंग कर रही थी शादी की सिस्टर की तो दोनों के काम होते थे तो दो दिन के गैप के बाद लाजमी बाज़ार का चक्कर लगता था क्योंकि तो हर रोज़ नहीं जा सकते थे अम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो अम्मी को रेस्ट देने के लिए दो दिन का गैप हम ज़रूर मैं डालती थी और यहाँ पर मैं बैठे हाँ यहाँ पर हम लोग बैठे थे चाट खाने के लिए जो इधर लिबर्टी में चाट वाली जगह है ना उधर बैठे हुए थे तो मुझे याद है मैंने थोड़ा व्लॉग भी बनाने बिल्कुल जहन से निकल गया हुआ था ये देखें यहाँ पर हम चाट का वेट कर रहे हैं इधर तो बस मैंने थोड़ा सा शूट किया था और चाट खा के मेरा गला ख़राब हुआ हुआ था लेकिन चाट मैंने किसी सूरत में नहीं छोड़ सकती दही भले मुझे बहुत पसंद है यहाँ ज्वेलरी शॉप में आए थे यहाँ से हमने ये नेकलेस पिक करना था लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि ये गोल्डन में था और हमें आ, फुल सिल्वर कलर में चाहिए था इसका डिज़ाइन हमें पसंद था लेकिन हमें आ, फुल सिल्वर में चाहिए था मेहंदी के लिए अपनी सिस्टर की आ, क्योंकि उसका जो मेहंदी का आउटफिट है वो फुल सिल्वर में है सिल्वर कलर का गोटा और काम मिक्स है तो हमने फिर सिल्वर में इसको करवाया था और बहुत अच्छा बना था यहाँ पर हम घर वापस आके खाना खुना खा के फारिग हो चुके हैं और उसके बाद खाना खाने के फ़ौर बाद मुझे चाय का मग चाहिए होता है हालाँकि गर्मी थी लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती थी बाज़ार में कि चाय पिए बगैर गुजारा नहीं था मैं तो दो टाइम लाजमी पीती थी तो बस इधर मैं चाय पी रही थी ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ के थे पूरे नौ बजे नाश्ते के चक्रों में और ये आप लगेज देख सकते हैं ये मेरी बहन भी गई हुई थी यूके से भाई भी यूके से आ गए विद फैमिली और मैं तो सबसे पहले आ गई थी तो ये आप देख सकते कितना ज़्यादा लगेज है अभी मामों और खाला वो भी यू से आएंगे तो अभी उनका भी आना है तो देख लें वो कहाँ पर जाएगा सामान और यहाँ पर हम नान चने का नाश्ता करने लगे हैं और नान चने मुझे बहुत बहुत बहुत, बहुत पसंद है सिर्फ इनके चक्रों में मैं मैं सुबह सुबह उठी हूँ वरना तो बारह बजे से पहले कोई भी नहीं उठता था स्पेशली मैं तो बारह बजे से पहले नहीं उठती थी बस इधर सब उठे थे नाश्ता करने के चक्करों में अम्मी ने कहा था कि नाश्ता जब आएगा तो सब ने उठ के बैठ जाना है अभी मैंने सिर्फ आधा नान पकड़ा लेकिन मैंने पूरा खा लिया था मुझे नान बहुत पसंद है और चने भी बहुत पसंद है उसके मैंने सोचा आज मैं जल्दी उठी गई हूँ तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ मैंने लेंस लगाना सीखने थे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगाने आते थे और मैंने प्रैक्टिस कर करके ये सीखना था लेंस लगाना और फाइनली आधा घंटा मुझे लगा कोई पचास दफ़ा मैंने लेंस गिराए होंगे नीचे तो मैंने फाइनली लगा ही लिए ये मैंने फ्रेशन पी के इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किए थे फिफ्टीन के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टेक केयर